iitgmain2018@gmail.nic.in से ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। जेईई मेन की प्रवेश परीक्षा पूरे देश के अलग अलग शहरों के 258 परीक्षा केंद्रों पर पेन पेपर मोड में 8 अप्रैल को और 15 और 16 अप्रैल को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। CBSE ने 12 मार्च को जेईई मेन परीक्षा 2018 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की घोषणा कर दी है। जिन बच्चों ने इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है वो अपना एडमिट कार्ड ऐसे ले सकते हैं। सबसे पहले जेईई की वेबसाइट पर लॉगिन करें और उसके बाद वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। एडमिट कार्ड लेने के बाद ही परीक्षार्थियों को 8, 15 और 16 अप्रैल को जेईई की मेन परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकेगा। जेईई मेन 2018 का एडमिट कार्ड एक जरूरी आइडेंटिटी कार्ड है, ऐसे में उम्मीदवारों को चाहिए वो सुनिश्चित करें कि सभी जानकारियां सही तरीके से भरी गई हैं और वो एडमिट कार्ड की एक कॉपी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने तक सहेज कर रखें। जेईई मेन की प्रवेश परीक्षा पूरे देश के अलग अलग शहरों के 258 परीक्षा केंद्रों पर पेन पेपर मोड में 8 अप्रैल को और 15 और 16 अप्रैल को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। करीब 12 लाख परीक्षार्थी सामान्य रूप से प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं और इसी में सफल होने पर आगे उनका चयन NIT, IIT, CFTI जैसे स्थानों में होता है। IIT में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा से पहले की ये परीक्षा एक तरह से स्क्रीनिंग परीक्षा जैसी भी होती है। जेईई मेन प्रवेश परीक्षा का परिणाम 30 अप्रैल को आएगा। एडमिट कार्ड परीक्षार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र होते हैं, ऐसे में उनके लिए नीचे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं जिनका पालन परीक्षार्थियों को करना आवश्यक है। जेईई मेन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया। आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। एडमिट कार्ड पाने के लिए डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद जेईई मेन आवेदन संख्या और जन्मतिथि भरें जो कि आपने आवेदन में भरा है। महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करें। जेईई मेन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। सभी डिटेल्स को ध्यान से देखें और ये सुनिश्चित करें कि भरी गई सभी जानकारियां आवेदन फॉर्म के हिसाब से ही वहां दिख रही हैं। अगर एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी दिखती है तो तुरंत gmain@nic.in पर एक ईमेल करें। ईमेल के साथ एडमिट कार्ड और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म की कॉपी संलग्न करें और गड़बड़ी के बारे में सूचित करें। एडमिट कार्ड में क्या क्या जानकारियां रहती हैं? परीक्षार्थी का नाम, पेपर जिसकी परीक्षा में शामिल होना है, उम्मीदवार की जन्मतिथि, उम्मीदवार का जेंडर, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, उम्मीदवार की योग्यता का स्टेट कोड, उम्मीदवार की कैटेगरी। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप अपने नए आइडिया और अपने पसंद के न्यूज़ या वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।